स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम फैंटसी चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं अपने ही चैनल के थ्रू। और आपको बता दें ड्रीम इलेवन में एक नया स्पोर्ट्स इंक्लूड हो गया है जो कि बास्केटबॉल है, और जल्द ही हम अपने चैनल के थ्रू आपको उसकी भी टीम्स प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार फिर से आप दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू जुड़ जाएँ, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से बहुत अच्छा विनिंग अमाउंट जिताने वाले हैं। और आपको बता दें इस बार हम थोड़ा अच्छा काम करेंगे और आपके साथ एक लंबे समय के लिए जुड़ेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छा अमाउंट जीतते रहिए। आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कल का पहला क्रिकेट मैच, जो कि ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस के बीच। आपको दोस्तों यहां ले चलता हूं मैं मैच की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों इन दोनों टीम्स के बीच में पहला मैच हो चुका है, जो कि मेलबोर्न में खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और जो ये सीरीज़ है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली है। तो इस सीरीज़ में आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट होगा, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड का ज़्यादा एडवांटेज ले सकती है यहाँ पर। अब मैं आपको दोनों टीम्स की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। यहां मैंने दोनों ही लीग्स के लिए टीम्स प्रोवाइड की हैं। टीम वन जो है वो दोस्तों स्मॉल लीग्स के लिए मैं कह रहा हूं, और टीम टू जो है दोस्तों वो ग्रैंड लीग्स के लिए है। आपको मैं टीम वन की तरफ ले चलता हूं। तो दोस्तों यहां मैंने विकेट कीपर में सबसे पहले सरा टेलर को रखा है। सरा टेलर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही पिछले कुछ मैचेस से, बट अगर देखा जाए एलिजा हिली के अगेंस्ट तो सरा टेलर ज़्यादा अच्छी प्लेयर है, जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है अपनी टीम के लिए। तो यहां सरा टेलर एक अच्छा ऑप्शन है। बैट्समैन की बात करें तो दोस्तों यहाँ मैंने टैमी ब्योमोंट को रखा है। आपको बता दूं टैमी ब्योमोंट भी पिछले कुछ मैचेस से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही। इनके से अगर आप ड्रॉप करना चाहो इनको, तो आप निकोल बॉल्टन के साथ इनको रिप्लेस कर सकते हो। निकोल बॉल्टन का भी कुछ ना कुछ लास्ट मैचेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो यहाँ मैं टैमी को ही साथ अपने रख रहा हूँ। दूसरे पर दोस्तों मैंने यहाँ रैचेल हाइनीस को रखा है। हाइनीस का आपको बता दूं दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है और नंबर 5 पर खेलने आती है। इनकी दोस्तों पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट नीचे खेलने आती है तो थोड़ा दिक्कत है। बट अगर इनके पास ज़्यादा बैटिंग आएगी तो ये डेफिनेटली अच्छा स्कोर क्रिएट करेगी। तीसरे पे दोस्तों हमने एलिजा विलानी को रखा है। आपको बता दूँ एलिजा विलानी ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी प्लेयर है और नंबर 4 पर खेलने आती है, और बहुत ही तेज़ खेलना जानती है, T20 स्पेशलिस्ट है। तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर रखना है दोस्तों। और चौथे नंबर पे दोस्तों यहाँ मैंने लॉरेन विनफील्ड को रखा है, जो कि अपनी टीम के लिए ओपनिंग करती है। लॉरेन विनफील्ड का भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो इनको भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी आपको बता दूं फ्रेंड विल्सन 6 नंबर पे खेलने आती है, तो ज़्यादा इनको बैटिंग मिलेगी नहीं। आप यहाँ चाहो तो एलेक्स ब्लैकवेल के साथ भी जा सकते हैं, जो नंबर 6 पर खेलने आती है। ज़्यादा इनके साथ बैटिंग मिलेगी नहीं, तो इनके साथ मैं ज़्यादा नहीं जा रहा दोस्तों। आपको बता दूं अब ऑलराउंडर्स में मैंने यहाँ सबसे पहले एलिजा पैरी को रखा है। आप पैरी को जानते हो, नंबर 1 ऑलराउंडर है पूरे वुमेंस क्रिकेट टीम में, तो इनके साथ जाना हमारा बिल्कुल ही बनता है। दूसरे पर दोस्तों यहाँ मैंने नैटाली स्कीवर को रखा है। आपको बता दूं नैटाली स्कीवर भी बहुत अच्छी ऑप्शन है इंग्लैंड वुमेंस टीम की। और तीसरे पर दोस्तों हमने एलिशा गार्डनर को रखा है। गार्डनर का भी दोस्तों देखा जाए पिछले कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये बॉलिंग भी करती है और नीचे आकर एक सुपर बैटिंग भी करना जानती है, तो इनके साथ भी आप यहाँ जा सकते हो। बाकी आपको ऑप्शंस बता दूं, हीदर नाइट कैप्टन है अपनी टीम की, बट इनका कुछ पिछले मैचेस देखा जाए या वुमेन्स सुपर क्रिकेट लीग T20 की बात की जाए, तो वहाँ से इनका कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही एज ऑलराउंडर, तो इनको हम बिल्कुल नहीं पिक कर रहे। बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों हमने 3 बॉलर्स यहाँ इंक्लूड किए हैं। कैथरीन ब्रंट, जो कि एक ऑलराउंडर भी मानी जाती है, अपने अच्छे बॉलिंग स्पेल्स कंप्लीट करती है, तो इसलिए हमने इनको रखा है। दूसरे पे दोस्तों यहाँ हमने एलेक्स हर्टले को रखा है। आप चाहो तो यहाँ लोरा मार्श को भी रख सकते हो। लोरा मार्श भी बहुत अच्छी बॉलर है अपनी टीम की। तीसरे पे दोस्तों हमने यहाँ मेघांस कट को भी रखा है। मेघांस कट भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ओपनिंग स्पेल्स डालती है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, और क्रेडिट्स में बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक बार मैं आपको फिर से इस टीम का प्रीव्यू शो कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मैं दिखा देता हूँ। एलिजा पैरी को दोस्तों मैंने कैप्टन रखा है, नो डाउट कैप ऑलराउंडर है टीम की। तीसरे नंबर बैटिंग करने आती है और अपने 10 ओवर स्पेल्स के कंप्लीट करती है। दूसरे पे दोस्तों हमने वाइस कैप्टन पे सरा टेलर को रखा है। सरा टेलर दोस्तों मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ नहीं देख पा रहा मैं। किसी भी ओपनिंग बैट्समैन को पिक करना वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो स्मॉल लीग्स में सरा टेलर, जो कि नंबर 3 पर खेलने आती है, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है टीम के लिए। तो आप ये टीम स्मॉल लीग्स में दोस्तों इजीली विन कर सकते हो इस टीम के थ्रू। अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रैंड लीग्स की टीम जो मैंने आपके लिए बनाई है। बात की जाए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैंने सरा टेलर को सेम विकेट कीपर में रखा है। एलिजा हिली दोस्तों ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और सरा टेलर बहुत अच्छा खेलना जानती है, तो इसलिए यहाँ अनडाउट हम सरा टेलर को रख रहे हैं। बैट्समैन से दोस्तों यहाँ मैंने निकोल बॉल्टन को मैंने यहाँ पिक किया है, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम है और ग्रैंड लीग्स में ओनली वही विन करेगा जो कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेगा। तो यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट्स थोड़े किए हैं, मैंने निकोल बॉल्टन को यहाँ पिक कर लिया।
एलिजा विलानी जो कि बहुत अच्छा खेलना जानती है, इनको तो रखना जरूरी है। और यहाँ मैंने तीसरे पर लॉरेन विनफील्ड को रखा है। मैंने यहाँ ज़्यादा बैट्समैन नहीं लिए, आपको बता दूँ एलेक्स ब्लैकवेल भी बहुत अच्छा खेलना जानती है बट बहुत नीचे आती है, तो इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा रहा, वरना ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ मैंने वही तीन ऑलराउंडर्स रखे हैं, एलिजा पैरी, दूसरे पे नेटाली स्कीवर और तीसरे पे एलिशा गार्डनर। ये तीनों दोस्तों बहुत परफेक्ट बैठते हैं टीम में, इनके आप कोई ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स कर नहीं सकते इनकी जगह। बॉलर्स की बात की जाए तो यहाँ मैंने दोस्तों कैथरीन ब्रंट, यहाँ मैंने लोरा मार्श को इंक्लूड किया है। मार्श आपको बता दूँ तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बॉलर है। एलेक्स हर्टले ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग में। और अगेन मैंने यहाँ मेगा हंसकट को भी रखा है। तो यहाँ मैंने बॉलर्स एक इंक्रीज़ किया है दोस्तों। अब आपको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी एक बार शो कर दूँ तो दोस्तों यहाँ मैंने एलिजा विलानी को रखा है कैप्टन में। आपको बता दूँ एलिजा विलानी बहुत अच्छी प्लेयर है, T20 में भी देखा गया था कि इन्होंने बहुत अच्छे स्कोर क्रिएट किए थे। तो आपके लिए ग्रैंड लीग्स में अच्छा ऑप्शन है कि आप इनको कैप्टन दे सकते हो। और वाइस कैप्टन में दोस्तों मैं लॉरेन विनफील्ड के साथ जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट है विनफील्ड को वाइस कैप्टन देना, इनकेस अच्छा करेगी तो आप ग्रैंड लीग में डेफिनेटली जीतोगे। आपको एक टीम का भी एक बार प्रीव्यू शो कर देता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये टीम जो है, आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये ग्रैंड लीग्स के लिए है। टीम वन जो आपको मैंने शो की थी दोस्तों वो स्मॉल लीग्स के लिए थी। आप दोनों ही टीम्स के थ्रू अच्छा विन कर सकते हो। और आपको बता दूँ आने वाले जितने भी मैचेस क्रिकेट के हों या फुटबॉल के हों या कबड्डी के हो, कबड्डी तो वैसे भी अब नॉकआउट स्टेज हो चुके हैं, क्वालिफायर्स होने वाले हैं, तो उनकी भी टीम आप हमारे चैनल के थ्रू इजीली देख सकते हो। और जल्दी जल्द हम अपने चैनल में बास्केटबॉल भी इंक्लूड कर लेंगे ताकि आप उसमें भी एक अच्छा अमाउंट जीत पाओ। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे कल के मैच में।